पार्टिसिपेट करे जिसमें कि बीजेपी को बोलने नहीं दिया जाए। ऐसा नहीं है कि आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है, इस तरह से धमकी भरी आवाज में बात करना सही नहीं है। मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रोज की बहस होती है, रोज आप बात को समझिए, रोज की बहस होती है, रोज की बहस होती है। अगर ऐसे आप खींचते रहेंगे लगातार, इसके बाद ही बोलेंगे, मैं कंप्लीट करूंगा फिर ये बोलेंगे। तुम्हारा काम ही है कांग्रेसी का पुट्टा पकड़ के चलना, तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है, तुम्हारे वहां लीडरशिप है ही नहीं। हो सकता ये तस्वीर पुरानी नहीं, मैंने बड़े ध्यान से सुना, बात कैलेंडर की है, मैंने बड़े इस रिश्ते का हर ऐसा लम्हा जो मेरा सुन रहा है, लोकसभा की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ठीक है डॉक्टर पात्रा, चलिए अब सुनिए अंजना जी, बड़े ध्यान से मैंने सुना, अब मैं एक एक करके आराम से उत्तर देता हूँ। पहले तो इन्होंने नड्डा जी की एक वीडियो दिखाई। आप जानते हैं नड्डा जी, अमित शाह जी, मोदी जी के इतिहास को? कोई कार्यकर्ता के रूप में चाय बेचता था, कोई दरी बिछाता था, नड्डा जी कभी पोस्टर लगाते थे शाम को, उनकी माँ ले बना। चुप रहो, बिल्कुल बिल्कुल चुप रहना, बिल्कुल बिल्कुल चुप रहना, यहाँ पे शांति से सुनो। देखिए अंजना जी, नड्डा जी की माँ ले बनाती थी और नड्डा जी हमारे पोस्टर लेके मार्च में मुझे 50 सेकंड ना सुने अंजना जी, आपके 3 मिनट अपनी अपनी बारी में बोलिए। आप दो सवाल चुके हैं रोहन जी, अब एक बार जवाब बताएंगे प्लीज रोहन जी, सवाल का जवाब देखिए। देखिए ध्यान से सुनिए, मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ। एक बहुत बड़ा आक्षेप हमारे दोनों अध्यक्षों के ऊपर, पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष के ऊपर, एक वीडियो दिखाकर लगाया गया। मैं आपको बताता हूँ, नड्डा जी की माँ लेई बनाती थी और नड्डा जी पोस्टर चिपकाते थे रात को। एक पोस्टर चिपकाने वाला व्यक्ति, अमित शाह एक दरी बिछाने वाला आदमी, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है? इटली से लाल आके इम्पोर्ट करके हम अध्यक्ष नहीं बनाते, आपके पास तो एक भारतीय भी नहीं है अध्यक्ष बनाने के लिए, इटालियन। मैं आपत्ति कर रहा हूं अंजना जी, अगर पर्सनल अटैक करेंगे तो मैं नहीं सुनूंगा। बिल्कुल बिल्कुल आपत्ति करना, इनको पहले शांत करिए अंजना जी, मैं कंप्लीट कर रहा हूं, इसके बाद ही बोलेंगे, मैं कंप्लीट करूंगा फिर ये बोलेंगे। हमारा काम ही है कांग्रेसी का पुट्टा पकड़ के चलना, तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है, तुम्हारे वहां लीडरशिप है ही नहीं। हो सकता कांग्रेस अंजना जी, हो गया कांग्रेस, मैं आज तक से कमेंट करता हूं, आज तक अगर बीजेपी को डिबेट में बुलाती है और बीजेपी को डिबेट में टाइम देना नहीं चाहती है, आज तक से मैं कहना चाहता हूं बीजेपी के बिना भी डिबेट हो सकता है। रोहन गुप्ता जी, यही होता है हर बहस में, वन टू वन करिए। रोहन जी रोहन कॉमेडी करते हैं, आप मेरी बात सुनिए, बीजेपी के बिना भी डिबेट हो सकता है। आप अपनी बारी का इंतजार क्यों नहीं करते हैं? आपने भी आरोप प्रधानमंत्री से लेकर उनके गृह मंत्री पूर्व मंत्री पर लगाया, उन्होंने अपनी बारी का इंतजार किया ना, फिर आपकी पार्टी नाराजगी जाहिर करती है कि आप आवाज हटा देते हैं। आपने भी आरोप लगाए, उन्होंने इंतजार किया अपनी बारी का, वो तो बीच में नहीं चिल्लाने लगे, टिप्पणी नहीं करेंगे वो। मैंने नहीं बोला कि राहुल गांधी के सामने व्यक्तिगत टिप्पणी करें, मैंने तो नहीं किया, लेकिन आपने भी आरोप लगाया ना कि उनकी पार्टी में क्या होता है, ये गलत है। अपनी बारी में आप इंतजार कीजिए और उसके बाद जो जवाब देना है दीजिए, आप अपनी बारी में इंतजार कीजिए और उसके बाद जवाब दीजिए। रोहन जी, रोज की बहस होती है, नहीं रोहन जी आप बात को समझिए, रोज की बहस होती है, रोज की बहस होती है। अगर ऐसे आप खींचते रहेंगे लगातार तो फिर सामने वाले को बोलने का मौका नहीं मिलेगा, और ये बहस का नियम अगर जो अच्छा वक्ता होता है वो सामने वाले की बात भी सुनता है, क्योंकि उसे लगता है कि सामने वाला कुछ बोलेगा तो मैं कमजोर कड़ी पर जवाब दूंगा, लेकिन आप तो साथ में चीखने लगते हैं, ये गलत है। प्लीज प्लीज रोहन जी, आप इतना भरोसा रखिए कि मैं आपसे जवाब लूंगी, और इसलिए आप सम्मान रखते हुए इस बात का प्लीज चुप रहिए, बीच में मत बोलिए प्लीज मिस्टर गुप्ता प्लीज। अंजना जी, मुझे सख्त निर्देश है कि अगर मुझे समय नहीं दिया जाए तो 1-to-1 अंजना जी और रोहन गुप्ता जी कर ले, बीजेपी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी, हमें कोई धन्यवाद आपका बिल्कुल दिल से धन्यवाद चाहिए, कोई बात नहीं अंजना जी, आपकी मर्जी है, कोई बात नहीं प्लीज अंजना जी, थैंक यू सो मच, आप और कांग्रेस पार्टी हमें कोई आपत्ति, जरूरी भी नहीं है कि आज तक भी बीजेपी पार्टिसिपेट करे जिसमें कि बीजेपी को बोलने नहीं दिया जाए। ऐसा नहीं है कि आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है, इस तरह से धमकी भरी आवाज में बात करना सही नहीं है। मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दो बार उनकी आवाज़ भी नीचे की है, 3.5 मिनट मैंने सुना इनको, ठीक है
मैंने भी इतनी देर उनको बोला कि आप मत बीच में बोलिए, बहस ठीक से होने दीजिए मिस्टर गुप्ता प्लीज। तो संबित पात्रा जी सवाल, सात तो बजी जाएंगे, मैं बोलूंगा तब फिर। प्लीज रोहन गुप्ता इस बार बीच में मत बोलिएगा, मैं आपको बता रही हूँ, फिर हमें सब फैसला लेना होगा आवाज ऊंची करने का। अंजना जी सुनिए बात को, नहीं आप सुनिए, अब आप सुनिए, आपकी बारी नहीं है, आपकी बारी नहीं है, नहीं आपकी बारी नहीं है, आपकी बारी नहीं है, आपकी बारी नहीं है रोहन गुप्ता, आपकी बारी नहीं है। आवाज नीचे कर दी, और कैसे अलाउ करते हैं राहुल गांधी के सामने अपमान करने का, तब तो आप कुछ नहीं बोलती है, आप बोलिए ना उनको, आप बात करिए मुद्दे पे, मैं मुद्दे पे बात करूं। अंजना जी, अंजना जी ये कैसे बात करूं, वापस कैसे बात करूं, अंजना जी कैसे बात करूं। देखिए सर आप भी, जब उनके आप शीर्ष नेता पर पर्सनल अटैक करेंगे तो वो भी बीच में बोलने लगते हैं, पर्सनल अटैक से आप भी बचिए ना, ये इटली इटली क्यों लेना है, भारतीय नागरिक है राहुल गांधी, उनको आप इटली से इम्पोर्टेंट मत बोलिए ना, आप मुद्दे पर बात कीजिए सर, बिल्कुल क्रेडिबिलिटी लोग डिसाइड कर, मिस्टर गुप्ता प्लीज। चलिए अंजना जी आप लोग डिबेट करिए, नहीं अब अंजना जी कोई बात नहीं है, आपको अगर लग रहा है कि हम लोग मुद्दे पे बात नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, धन्यवाद डॉक्टर साहब, वीडियो आपने एक बार भी आपने एक अंजना जी व्हाट इज दिस अंजना जी, वो लगातार बीच में बोल रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, देखिए आपकी आवाज उनकी आवाज हम नीचे नहीं करना चाहते तो, क्योंकि फिर गलत तरीके से चैनल को पोर्ट्रे किया जाता है कि उनकी तो आवाज मैं जानबूझ करके कर दी, लेकिन आप अपनी बात तो बोलिए ना सर, आपकी आवाज डिबेट करने आप अपनी बात तो कहिए, आप रुक जा रहे हैं, आप चाहते हैं सबकी आवाज बंद कर दी जाए, आप अपनी बात तो कहिए, नहीं रुकूं मैं, नहीं चाहता हूँ कि चिल्ला के डिबेट करूं प्लीज, क्यों नहीं शांत, मैं 3.5 मिनट शांति से सुन सकता हूँ, ये सुन नहीं सकते 1 मिनट।